ओके, हम आज क्या करने वाले हैं? वीबीए। और वीबीए में क्या है? देखो, वीबीए के बारे में पढ़ना है। वीबीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। क्या करती है? कोडिंग करती है। ये काम आती है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो गए? ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, आउटलुक हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, इन सबको ऑटोमेट करने के, ठीक है। और बाकी तुम लोग हिस्ट्री वगैरह इसकी यूट्यूब पे या गूगल कर सकते हो, कहीं भी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे शुरू? कोडिंग से। और कोडिंग से भी पहले मैक्रो रिकॉर्ड करना सीखेंगे, ठीक है। पहले तुम लोग रिकॉर्ड करना सीखो, वरना कोडिंग में बाद में जाएंगे हम लोग। हाँ जी, क्या करेंगे? रिकॉर्ड कैसे करते हैं मैक्रो? देखो, मैक्रो रिकॉर्ड करने के कई तरीके हैं। एक ये मैक्रो होता क्या है पहले, तो है ना, हम लोग कुछ कर रहे हैं एक्सेल में, वर्ड में, कहीं भी, उससे के उस एक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अभी मैं तुम लोगों के सामने स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ इस टाइम सिस्टम पे, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो बन रही है उसकी। ऐसे ही अभी क्या हो रहा है, एक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वीडियो बन रही है उसकी, है ना। एक्सेल वगैरह में अगर मैं मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे एक्शन रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ उसे रिपीट कर सकता है, सेम एक्शंस को। उसमें वीडियो नहीं बन रही है उसकी, वो कोडिंग हो रही है पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। देखो, अभी जैसे मैंने कुछ लिखा, मैं कोई लिस्ट बना रहा हूँ नेम्स की। कौन कौन है यहाँ पे? क्या नाम है? मैं भूल जाता हूँ। लेट्स कुछ नेम है ना। अब मैंने किसी और शीट में यही नाम दोबारा डालना है, तो मैं दोबारा टाइप करना शुरू करूंगा? ऐसा काम मुझे रोज करना पड़ता है, तो मैं डेली टाइप करूं? और ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा, एक शीट है कहीं पे जाके छिपी हुई है, वहां से कॉपी पेस्ट करके लाऊंगा, रोज खोलनी पड़ेगी, कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा ना। अगर मैं इसका मैक्रो बना लूं तो सी, अभी मैंने ये किया, मैं अब क्या करता हूं, मैक्रो यहां से आता है, क्या आएगा, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। कुछ खुला, इसमें है रिकॉर्ड मैक्रो। सबसे पहले मैक्रो का नाम डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहां सेव करना है, दिस वर्कबुक या न्यू वर्कबुक या पर्सनल होगी, है ना। पर्सनल वाली पे अभी नहीं जाएंगे, न्यू वर्कबुक कोई नई पे, अभी फिलहाल हम इस पे काम कर रहे हैं, इसी में सेव कर लेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ से कर सकते हैं सेव, उसके अलावा व्यू में जाएंगे, मैक्रोज आ रहा है यहाँ पे, सॉरी आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन, इसे क्लिक करेंगे, सेम विंडो खुल गई। उसके अलावा अब देखो, तुम लोगों के पास जनरली एक्सेल में क्या होता है, ये वाला टैब जो होता है ना, डेवलपर वाला, ये नहीं होता। दिखा देता हूँ ये कैसे आते हैं, कैसे खोलते हैं ये वाला ऑप्शन। ऑप्शंस में गए, उसके बाद जल्दी बोलो, कस्टमाइज रिबन, ठीक है। ये तुम्हारे पास बाय डिफॉल्ट ये होता है, अनक्लिक, हटा हुआ है, दिख रहा है ना, नहीं है। तो ये टैब लाने के लिए फाइल, ऑप्शंस, उसके बाद कस्टमाइज रिबन, यहाँ आ रहा है डेवलपर, क्लिक कर दो, ठीक है, डन, आ गया। ये एक्चुअली तुम्हारा जो वीबीए पे काम करोगे वो सारा डेवलपर के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें गए हम लोग डेवलपर पे, मैक्रोज आ रहा है कुछ, यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो आ रहा है, रिकॉर्ड मैक्रो, तीन चीज़ें पता चल गई। ओके, समझ में आ गया ना, इतना सिंपल है, तो कुछ समझने लायक था भी नहीं। और न्यू मैक्रो पे करते हैं तो सभी जितने वर्कबुक हम ओपन करेंगे सब में रन करेगा वो? हाँ जी, मान लो हमने सिंपल लिया, वो जरूरी नहीं है सब पे रन करेगा, तो जहाँ बना होगा वहाँ न्यू वर्कबुक खोलोगे, नहीं न्यू वर्कबुक करोगे तो न्यू वर्कबुक खुल जाएगी, ठीक है, फिर बनेगा तुम्हारा रिकॉर्ड में, जब न्यू तब वो रिकॉर्ड होना शुरू। हमने प्रोग्रामिंग कर ली मैक्रो में, सेव कर लिया, हम अब न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं, हम चाहते हैं इसमें भी वही काम हो जाए, तो उस पर कैसे? तो सेव कर लिया ना तुमने मैक्रो, तो वो कहाँ सेव किया उस पर डिपेंड करता है। और इस इन केस तुमने इस वाली शीट पर सेव किया है, अब वो वाली खुली है, उस पर चलाना है,
चल जाएगा जब तक ये वाली शीट खुली या मैक्रो खुला होगा। अच्छा ठीक है, भला ये बंद कर देंगे तो उस पे नहीं चलेगा। हाँ जी बात नहीं चलेगा अगर तुमने बैकग्राउंड मैक्रो खोला हुआ है तो। नहीं समझ में आएगा अभी, रह अभी वो क्वेश्चन रहने दो। ठीक है अभी देखो हमने, मैं अब क्या कर रहा हूँ देखो, हो जाओ सेटल हो जाओ। ऑलरेडी 15 मिनट लेट आप। ओके देखो मुझे फिर से नाम लिखना ही है, वही लिस्ट बनानी है। ठीक है मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड मैक्रो, है ना, बता दिया ना कहाँ कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ से इस मैक्रो का नाम कुछ भी डाल सकते हो, और मैक्रो नेम में कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं जो तुम नहीं डाल सकते। सी जैसे मैंने मैक्रो का नाम ये रखा, मैं स्पेस डालता हूँ, 1 डाल देता हूँ। एरर दे रहे हैं क्यों? स्पेस अलाउड नहीं है नाम में। ठीक है इसलिए मैं उसकी जगह पे अंडरस्कोर कर देता हूँ। अब लेगा? हाँ लेगा। क्यों? स्पेस अलाउड नहीं है, परसेंटेज अलाउड नहीं है। तुम लोग ये स्पेशल कैरेक्टर्स में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अलाउड नहीं है, हैश वगैरह भी अलाउड नहीं है, वो तुम लोग देख लेना। ठीक है नेम में डाल डाल के देखना, जहाँ अलाउड नहीं होगा वो एरर दे देगा। ठीक है ओके। सी यहाँ पे मैंने शायद स्पेस हटाया नहीं है, यहाँ पे स्पेस है ना, बैक स्पेस हट गया। मतलब अब क्या होगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं टाइप करना शुरू करता हूँ फिर से। नेक्स्ट ठीक है, मैंने कुछ नाम डाले। अब मुझे देखो मेरा मैक्रो रिकॉर्ड अब भी हो रहा है, मैंने उसे स्टॉप नहीं किया है। स्टॉप करने के लिए व्यू में जाके मैक्रोज स्टॉप रिकॉर्डिंग, या फिर सेम डेवलपर में जाके हो यहाँ भी होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। आ रहा है? जहाँ तुम्हारा रिकॉर्ड मैक्रो था वहाँ क्या आ रहा है? स्टॉप रिकॉर्डिंग। उसके अलावा यहाँ डायरेक्ट ये साइन आ रहा है क्रॉप, अब क्या आ रहा है? स्क्वायर साइन आ रहा है ना, क्लिक कर दिया मैंने, मैक्रो क्या हो गया वो ऑल ऑटोमेटिकली सेव हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है अब मुझे ये नाम दोबारा डालने है ना, मैं डिलीट कर देता हूँ मैंने जो मैक्रो बनाया है। क्या नाम रखा था? सुनील अंडरस्कोर 1 है ना, माइनस नहीं था, माइनस अलाउड नहीं है, जॉय 1। ठीक है मैं क्या करूँगा, रन। ठीक है ये चीज तुम लोग कर सकते हो, और इसमें आई थिंक एक्सेल की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग सिंपल है ना। कोडिंग की बाद में आएगी, सिंपल है ये चीज। तुम यूनिवर्सल या तुम कितनी ही शीट हो हर बार यही चीज लिख के आ सकती है। तुम लोगों को वो तो नहीं है कि हर बार जाके वो शीट खोल के कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या हर बार टाइप करना पड़ेगा, तो ऐसे ही बहुत कुछ कर सकते हम लोग। सी अभी एक पार्ट है, अब क्या करेंगे, मुझे एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? चलो कॉपी। ठीक है काउंट निकालना है ना, किसका काउंट कितना है, क्या लगेगा? ठीक है क्राइटेरिया यही होगा। कोई 2 बार है, कोई 3 बार है, क्लियर है। अब क्या करना है, इनकेस में मैं को यहां से हटा के संजय डाल दूं तो क्या होगा, यहाँ कितना काउंट आएगा? ठीक है एक ही आएगा। ठीक है और नीचे जो मयंक होगा वो भी एक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले एक हटा दिया हमने, है ना। अब ये चीज़ मुझे हर बार करनी है, ये फॉर्मूला हर बार लगाना है। क्या करें, फिर से रिकॉर्ड कर लो इस फॉर्मूला को। कैसे करेंगे, सेम इस बार यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है गए रिकॉर्ड मैक्रो आ गया, मैक्रो का नाम रख लो कुछ, क्या रखोगे? ठीक है पुराना नाम नहीं रखेंगे जो पहले से एग्जिस्टिंग है, वो लेगा नहीं।
अब मुझे क्या लगाना है फॉर्मूला. दिस इज द रेंज कॉमा क्राइटेरिया. कौन सा नाम इस लिस्ट में कितनी बार है. ठीक है अब मैं क्या कर देता हूँ इसे स्टॉप. यहाँ जाओ खोलो देन स्टॉप रिकॉर्डिंग. ओके वापस अब देखने हो. हाँ जी हाँ जी कर सकता है लेकिन अभी नहीं सिखाएंगे बाद में. ठीक है अभी रिकॉर्ड करना सीखो सर. क्या नाम था हमारे मैक्रो का यही था. ओके पहले ये हटा देते हैं रिकॉर्ड कराते हैं. ओ रन कराते हैं ना. लग गया. आप पीछे फॉर्मूला बार पे देख सकते हो तुम्हारा क्या आ रहा है. फॉर्मूला आ रहा है ना. फॉर्मूला ही लगा है सर. इसके कोई कमांड है. हाँ जी वो भी बताता हूँ. अब तुम लोगों को ये जो मैक्रो वाली विंडो आई थी जिससे हमने रन कराया व्यू मैक्रो वाली है ना. क्या करेंगे ऑल्ट F8. हाँ जी ठीक है. चलो अभी तो ये है. अब हमने जो रिकॉर्ड किया है हमें उसका क्या देखना है कोड. VBA का कोड जो एक्चुअल में बना है क्योंकि वो क्या होते हैं बैकग्राउंड में उसका कोड बनाते हैं. ऑल्ट F8 किया. जिस मैक्रो का मुझे कोड देखना है उस पे जाऊंगा और उसे एडिट मोड में. सी अब यहाँ देखो ऊपर भी कुछ दिख रहा है मतलब वो ऊपर वाले दूसरे मैक्रोस की लिस्ट है. ठीक है ये इस वाले शीट पे हमने दो मैक्रो बनाए. कौन से सुनील 1 एंड सुनील 2. ये देखो ओके अब हम क्या करेंगे हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं. हमने जहाँ मैंक लिखा था मैंक की जगह पे क्या करें बताओ. कौन कौन बैठा है यहाँ पे इंदर. और हाँ एक्सेल में नेम्स डबल कोट्स के अंदर आते हैं मतलब टेक्स्ट. VBA में भी वही है टेक्स्ट आएगा डबल कोट्स में नंबर्स विदाउट कोट्स. आएगी ना हम वही तो करना सीखेंगे. हाँ जी सन्नी. ठीक है हमारी लिस्ट ये बन गई. कौन सा मैक्रो है ये सुनील 1 है ना. हमने कर लिया इसे सेव. हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया अपना मैक्रो है ना. तो अब नेम हमारे क्या होने चाहिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आने चाहिए है ना. पहले तो हमने कुछ और रिकॉर्ड किया था ना कुछ और नेम्स थे. अब नेम्स चेंज हो गए. देखते क्या आते हैं अब व्यू और टेफेट भी कर सकते हो. वन वाले में चेंज किया था हमने देन सी हो गया नेम्स चेंज. तो ये थोड़ी सी एडिटिंग है क्या बोलते हैं इसे. हाँ जी बोलिए. हमने C7 से अप्लाई किया था जब हमने मैक्रो स्टार्ट किया. हाँ सपोज सेम शीट पे हमारे पास दो डेटा है. एक डेटा है C वाले कॉलम में और एक डेटा है हमारे पास S वाले कॉलम में. सेम मैक्रो S कॉलम में अप्लाई हो सकता है नहीं. करेंगे वो चीज हम आगे सीखेंगे जब रेंजेस हमें जहाँ पे डेटा डालना है वो चीज चेंज करनी है. सेल रेफरेंस देना ठीक है. अभी सेल का रेफरेंस डालना नहीं होगा क्यों क्योंकि एड्रेस वहाँ पे C8 वगैरह C7 में दिखाता हूँ. ओके अब हमें वापस कोडिंग विंडो पे जाना है तो क्या है उसके लिए शॉर्टकट ऑल्ट F11. अभी एडिट के थ्रू गए थे ना हम लोग ऑल्ट F11. ठीक है ये जो वाइट शीट है ये पूरी क्या है हमारी कोडिंग विंडो. ठीक है ओके अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा स्क्रीन के बारे में देख लेते हैं. यहाँ देखो जो तुम लोगों का डेटा जा रहा है यहाँ क्या लिखा हुआ C8 के SL का एड्रेस इसलिए C8 में ही सेव हो रहा जाके. मैं इसका एड्रेस चेंज कर देता हूँ D. तो मैं S में डालना था. ठीक है यार S बहुत दूर हो जाएगा आई थिंक पास में ही रखते हैं अभी. ठीक है इन सबको डायनेमिक वगैरह करना बाद में सीखेंगे. ठीक है मैंने चेंज कर दिया मैक्रोवन फिर से. इस बार नेम्स भी है लेकिन सेल एड्रेस चेंज कर दिया. फिर से मैं इसे क्या कर देता हूँ सेव या कंट्रोल एस भी कर सकते हो. ऑब्वियसली मैं गया रन डिलीट मारा. अब क्या करूँ ऑल्ट F8. कौन सा वाला मैक्रो है
फर्स्ट वाला, देन जिस जिस एड्रेस चेंज किया था वो वाला कॉलम आ गया, ठीक है, कोई डाउट? ओके चलो अभी थोड़ा और करते हैं। और एक चीज और, मैक्रो चलाने के बाद तुम लोग अंडू नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक बार वीबीए मैक्रो चल गया, चल गया, नो अंडू, एडिट कर सकते हो, दोबारा कर सकते हो, वो भी खुद से करके, लेकिन उसमें अंडू नहीं होता, समझे? एक बार कुछ मैनिपुलेट कर दिया एक्सेल में वीबीए के थ्रू तो अंडू नहीं होता, फिर तुम्हें या तो मैनुअली करना पड़ेगा या उस मैक्रो को दोबारा से चलाना पड़ेगा ठीक करके, जैसे तुम्हें चाहिए, ठीक है? ओके अभी तुम्हें क्या चाहिए, इस जो जो था, क्या क्या था यहाँ, सी था ना, सी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कोडिंग, मुझे और भी नेम्स डालने हैं ना, मैं क्या करता हूँ इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्या क्या मैंने कॉपी, एंटर मार के मैं नीचे डाल दिया पेस्ट, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, कोई फायदा है? क्योंकि फायदा नहीं है इसका, क्यों? क्योंकि सब में एड्रेस रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार अगर चल भी गया तो नीचे वाला दोबारा वहीं पे डाल देगा, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कुछ हुआ है। एक काम करते हैं हम, जो नीचे वाले रिपीट हो रहे हैं मुझे वही चीज दूसरे कॉलम में चाहिए किसी और में, एज पर योर क्वेश्चन, है ना। सी को क्या कर रहा हूं मैं, जी मतलब जी कॉलम में डाल दे, है ना। ये सेल का एड्रेस है ना, क्लियर है, कोई डाउट? अब देख लो किस नाम से डाला मैंने जी, कहां से स्टार्ट किया है, पूर्णिमा से, ठीक है, मतलब यहां नेम से पूछा था मैं, कंट्रोल एस, यहां गए ऑल्ट एफ8, देन सुनील वन एंड, और रन पे क्लिक ना करना हो तो डबल क्लिक, क्लियर है, आ गया दूसरे कॉलम में भी। और हो सकता है तुम्हें दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम में दूसरे नाम डालने हैं तो वहां पे नाम चेंज कर दोगे, है ना, सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल है, सिंपल कुछ नहीं। हाँ जी, जैसे आप गए वहां पे पब्लिक सेव करता हूं, मैंने सेव किया, इफेक्ट पर दुनिया आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैक्रो में फिर वो गायब हो जाएगा, इनकेस तुम सेव नहीं करते हो मैक्रो से, है ना। ओके अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं रिकॉर्ड करके, फिर उसका कोड देखते हैं। यह समझ में आ गया, इसने क्या किया हुआ है, यहाँ से नेम उठाया जो भी था एक्टिव सेल, मतलब एक्टिव सेल का मतलब जिस सेल में उस टाइम पे हम लोग होंगे वो सेल एक्टिव होगी, ठीक है। ऐसे एक्टिव शीट, जिस शीट पे काम कर रहे हैं, सी ये मेरी शीट है, शीट वन मीन्स दिस शीट इज एक्टिव नाउ, देन दिस इज एक्टिव शीट। अब अगर सेकंड में हूँ तो मैं एक्टिव शीट, कौन सी फिर मेरी, शीट टू, यहाँ एक्टिव शीट, और एक्टिव सेल A3, ठीक है, परफेक्ट। ओके इतना समझ में आ गया। अब क्या करूँ मैं, एक और मैक्रो बनाते हैं, है ना, और ये फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, फॉर्मूले में भी कुछ चेंज करना हो तो फॉर्मूले में कुछ चेंज करना हो तो क्या करें, क्या करें, एडिट कर देंगे, ठीक है, और बाद में करेंगे, फिलहाल अब एक और मैक्रो बनाते हैं, मैं इसे बंद कर रहा हूँ विंडो को, ठीक है। यहाँ से अगेन रिकॉर्ड मैक्रो फोर, कुछ भी नाम डाल लो क्या फर्क पड़ता है ना, क्या करूँ, मैंने कुछ नाम लिखा, बोलो यार नाम बोलो कुछ, बोलते रहो, मेरा कोई मूड नहीं है दिमाग लगाने का नाम लिखने के लिए। अमित भैया, हाँ जी, नेक्स्ट, ऑलरेडी हो गया वो, और बोलो रूबी, और बोलिए नी तू, और चलो ठीक है, नाम हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, मैं इन्हें सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग करता हूँ थोड़ी सी, क्या फॉर्मेटिंग, कलर कर देता हूँ बैकग्राउंड वाला, ठीक है, और
बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। और क्या करूँ, बॉर्डर भी डाल दूँ, राइट बॉर्डर। अब तुम्हें दिख नहीं रहा ना बॉर्डर, क्यों? राइट में लगाया, राइट कहाँ है? ये राइट में है ना, यही है ना राइट। तब यहाँ पे क्या है, मेरा सिलेक्शन है तो उसके पीछे छिपा हुआ है, देखना है, दिख रहा है, दिख रहा है ना बॉर्डर? कोई ऐसा तो नहीं जिसे नहीं दिख रहा? ओके, मैंने कर दिया मैक्रो स्टॉप। सर बैटरी लग गई, सर बैटरी लग गई, 2 घंटे लग जाती। ओके, F8। आपस में बैटरी बैटरी मत करो, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसका कोड देखना है ना। चलो अब तो तुम्हें पता है ना रन कैसे करना है, तो रन तो करना नहीं है, कोड देखना है। कोड क्या करूं मैं देखने के लिए? देखो देखने के लिए, अगर व्यू देख करने हैं तुम्हें, मैक्रोज कहाँ पर हैं, कौन कौन से हैं, तो ऑल्ट F8 विंडो थी ना, अभी तो मुझे कोड देखना है, कोड देखने के लिए ऑल्ट F8 करके फिर एडिट में जाओगे, उससे बेटर है डायरेक्ट ऑल्ट F11। क्या क्या कोड, इतना सब डाला था अभी, ऑल्ट F5 को भी यूज करते हैं। देख लो, जो अभी हमने क्या किया था, नाम डाले थे, ये नाम आ गए, उसके बाद सेलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्शन इंटीरियर, इंटीरियर मतलब जो बैकग्राउंड कलर हमने डाला था ना उसके लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए इंटीरियर कौन सा, सॉलिड। एक उसमें कलर डालने के कई तरह के होते हैं, ग्रेडियंट होते हैं और भी कई होते हैं, ठीक है, जिसमें वो तुम्हारा चेंज होता रहता है कलर फ्लो में। सॉलिड सिंगल कलर होते हैं, ये कलर का कोड है, येलो कलर डाला था, उसका कोड क्या है? 655 न्यूमेरिक कोड। अब ये कह दो कि याद कौन रखे या नंबर्स है ना, कोई जरूरत नहीं है, सुन तो लो मेरी बात, तो सुन लो, जरूरी नहीं है तुम्हें नंबर याद रखना है। तुम लोग कोड डाल, ओ कलर का नाम डाल सकते हो, बीबी येलो, बीबी रेड, इस तरह से बीबी के साथ। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, हम लोग ऐसे क्या करेंगे, मैक्रो को थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं, मैंने क्या किया उसे येलो किया है ना, रेड कर देते हैं। चलो यार, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसी को चलाते हैं वापस। यहाँ पे क्या है, लाइन स्टाइल, मतलब जब बॉर्डर डालना था क्या था उसने, सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन था उसके ऊपर उसने क्या लगाया, बॉर्डर, और कौन सा, राइट, ये उसकी अकॉर्डिंग है, ठीक है। वेट, वेट मतलब लाइन का वेट, जो हमने राइट में बॉर्डर लगाया ना उसकी लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, मोटी पतली कितनी मोटी, ठीक है, वो चीज़ हमने अभी नहीं देखी है, तो इसने बाय डिफॉल्ट वाली थिन वेट डाली, ठीक है। उसके अलावा जो हमें नहीं करना फालतू की चीज़ है, जरूरी नहीं है मैक्रो वो सब रिकॉर्ड करेगा जो तुम कर रहे हो, उसके अलावा भी रिकॉर्ड करता है मैक्रो, ठीक है। जैसे अब देखो ये चीज़ हमने नहीं डाली है ना, जबरदस्त जब डाल ही नहीं रहे हैं तो नन की जरूरत क्या है, हमें नन का मतलब कुछ नहीं ना, तो इस ये कोड किसी काम का नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन जब एडवांस स्टेज में जाओगे तब तुम सीख जाओगे रिकॉर्ड कितना करना है और उसमें से क्या हटाना है फिर बाद में, ठीक है। फिलहाल सिर्फ इतना देख लो, इसे हमने क्या किया, कलर चेंज किया है ना, गया मैं ऐसे कर देता हूं और यहां से रन करते हैं, ठीक है। कहां से, मैं इस टाइम इस वाले मैक्रो में हूं तो मेरा कौन सा रन होगा, यही वाला मैक्रो, मैंने कर दिया रन, कुछ हुआ, कलर चेंज हो गया, समझ में आया। ओके, ये थोड़ी सी एडिटिंग थी फॉर इंट्रो के लिए।